हेलो एवरीवन, आज है 12 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एफएमसीजी से जुड़े हुए शानदार स्टॉक के बारे में। देखिए, हाल फिलहाल में एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते अगर हम बात करें तो रियलिटी सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। मेटल सेक्टर भी टूट रहा है और एफएमसीजी सेक्टर जो है, फार्मा सेक्टर है और आईटी सेक्टर है, ये तीन हाल फिलहाल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट काफी बड़ी देखने को मिल चुकी है, लेकिन एक चीज ये है कि भैया ये रिकवर कर रहा है, काफी तेजी से रिकवर कर रहा है। तो कौन से शेयर है एफ और आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते। तो सबसे पहला स्टॉक अगर मुझे चूज करना हो तो अनडाउटेडली मैं एक ही स्टॉक को चूज करूंगा सबसे पहले, और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL। सबसे बड़ी कंपनी है ये एफएमसीजी सेक्टर की और काफी बढ़िया पोटेंशियल भी है। 2372 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो अपने सबसे बड़े प्राइस के ऊपर ट्रेड करें, एक बहुत बड़ी गिरावट कोरोना के चलते आई भी थी, 2290 रुपए का हाई था शेयर में, ऐसी गिरावट आ गई कि वाकई ये शेयर 1830 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन वापस से आप देखिए बाउंस बैक किया इसने। वापस अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ एक महीने में, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बाउंस बैक किया, 1840 रुपए के आसपास था, इतना बड़ा बाउंस बैक किया और अब तक का सबसे बड़ा हाई 2460 रुपए के ऊपर भी ये पहुंचा। बाद में नीचे आया, अब जरूर ये ऊपर भी जाने के दमखम जरूर रखता है। ये टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी काफी बढ़िया है, काफी शानदार टेक्निकल रेटिंग अभी भी इसकी दिखाई दे रही है। PE 76 है, इंडस्ट्री PE 66 है, बुक वैल्यू 35 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 67 है। डिविडेंड देखिए, 2200% का डिविडेंड पे करा है, 2200%। EPS 31 के आसपास है, डिलीवरी 50 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया खरीदारी कर लो, बढ़िया स्टॉक है। 30% लोग, सॉरी 33% लोग यहाँ पर बेचने के लिए सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि कर्जा 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, जीरो डेट वाली कंपनी है ये, 1 रुपए का भी इनके ऊपर कर्जा नहीं है और ये काफी बढ़िया चीज है। अगर हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट्स की तो भैया नेट प्रॉफिट्स भी इनके क्वार्टर दर क्वार्टर इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि दिसंबर में थोड़ी से कम थे, दिसंबर में 1616 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि वो सितंबर में 1850 करोड़ के आसपास का देखने को मिला था, उससे पहले 1755 करोड़, उससे पहले 1540 करोड़, इससे पहले 1440 करोड़। तो डेफिनेटली पैसा कमा रहा है, 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है और काफी बड़ा ब्रांड है, और इनके अंडर में इतनी सारी प्रोडक्ट्स है कि मैं आपको नाम भी गिनाऊं तो शायद दिन कम पड़ जाए। यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग की भी बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट है, FIIs की होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, इंश्योरेंस कंपनी की जो होल्डिंग है वो भी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो भैया वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो सब लोग यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं और डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। एटलीस्ट HUL में तो मंदी नहीं आया, आ सकती आने वाले कई सालों तक, क्योंकि भैया इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं इनकी कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो पहला अगर मुझे स्टॉक चूज करना पड़े तो मैं अनडाउटेडली हिंदुस्तान यूनिलीवर को ही चूज करूंगा। दूसरा स्टॉक मैं चूज करूंगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, अगेन काफी बड़ा और काफी बेहतरीन स्टॉक है ये, 2801 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करने जाए पिछले 1 साल में तो देखिए कहां से टूटकर नीचे आया है, 3350 रुपए से टूटकर ये शेयर नीचे आया, और आप देखिए 3350 रुपए के आसपास था, बाद में गिरावट आई और लो बना था 2100 रुपए का, 2100 रुपए का लो बना, उसके बाद धीरे 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 बहुत तेजी से ये शेयर भी ऊपर आ रहा है। पिछले अगर 3 महीने का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आप देखिए 3250 रुपए था, गिरावट आई 2130 रुपए तक पहुंचा, बाद में देखिए धीरे धीरे करके ये शेयर कहाँ आ गया, 2800 रुपए तक ये पहुंच गया है। इसकी अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, PE 48 है, इंडस्ट्री PE 57 है, बुक वैल्यू 167 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 16 के आसपास है। डिविडेंड देखिए 1500, 1500% का डिविडेंड पे कर, EPS 57 के आसपास है, डिलीवरीज 25 है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% कह रहे हैं कि भैया खरीदारी कर लो, शानदार मौका है, 25% यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इन ब्रिटानिया के ऊपर तो कर्जा इनके ऊपर भी ना के बराबर, भैया 26 लाख का कर्जा कोई कर्जा नहीं होता है यहाँ पर। और आप देखिए 360 करोड़ का मुनाफा, 490 करोड़, 250 करोड़, 290 करोड़, 300 करोड़, तो भैया प्रॉफिट भी बढ़िया कर रहा है ये।
ब्रिटानिया का जो प्रॉफिट है वो काफी बढ़िया है और काफी अच्छे से इंक्रीज भी हो रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो भैया प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, एफआईएस की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 16 से 15% जरूर हुई है। इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग भी बढ़ी है, यहाँ पर आप देखिए 6 से 6.5 से 7.5% हुई है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट हमें दिखाई दे रही है। तो भैया सब लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और बढ़िया और तगड़े इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली डरने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो पहला शेयर मैं चूज करूंगा एचयूएल, दूसरा मैं चूज करूंगा ब्रिटानिया, तीसरा मैं चूज करूंगा नेस्ले इंडिया, तीसरा मैं एक्चुअली ये पहले नंबर पे होना चाहिए लेकिन तीसरे नंबर पे इसीलिए मैं इसको रख रहा हूँ क्योंकि भैया बहुत महंगा है ये, 16,000 है। तो डेफिनेटली रिटेल निवेशक इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं, जनरली किसी स्टॉक के ऊपर बहुत कम खर्च करते हैं, बहुत ही कम रिटेल निवेशक होते हैं जो इतना बड़ा पैसा किसी एक स्टॉक पे खर्च। 16,000 रुपए का ये स्टॉक है, लेकिन भैया तगड़ा स्टॉक है, ये बहुत ही तगड़ा स्टॉक है। देखिए इसमें भी देखिए 16,000 आसपास के ये शेयर गिरा था और 12,000 तक पहुंचा और सीधा बाउंस बैक कर लिया, फौरन ही इसने बाउंस बैक कर लिया और अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही अभी भी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर पिछले 5 साल की अगर हम बात करें, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, अगर हम पिछले 5 साल की बात करें जाए तो 5 साल में अगर इसका जो प्राइस है वो आप देखिए 16,000 ही धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो काफी बढ़िया है, ये कंपनी भी काफी बढ़िया है, फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग से, टेक्निकल राइटिंग अभी भी काफी अच्छी इनके दिखाई दे रही है। PE 82 है, इंडस्ट्री PE 57 है, 200 के आसपास का इसका बुक वैल्यू है, 84 के आसपास की प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड 3,420% का डिविडेंड पे करा है, EPS 204 है, डिलीवरी 38 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, सॉरी 69% लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 23% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इनके बारे में तो भैया कर्जा इनके ऊपर भी ना के बराबर है, सिर्फ 50 करोड़ का कर्जा है, सिर्फ 50 करोड़, और वो बहुत कम है क्योंकि इसके कंपेयर में आप देखिए उनके प्रॉफिट्स 500 करोड़ के आसपास के आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। तो अगेन काफी बढ़िया कंपनी है और फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है ये, तो दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। चौथा स्टॉक अगर मुझे चूज करना पड़े तो चौथे नंबर में मैं ITC को रखूंगा, यहाँ पर 185 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करा है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो जो सेक्टर है वो सिगरेट और टोबेको का ये सेक्टर है, लेकिन FMCG सेक्टर में भी काफी बड़ा नाम यहाँ पर जरूर है। आप देखिए कहाँ से गिरता हुआ स्टॉक नीचे आया, 300 रुपए से शेयर गिरकर नीचे आया है, लो बनाया 150 रुपए के आसपास का लो बनाया, अब वापस से बाउंस बैक की तरफ ये शेयर जरूर जा रहा है। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, 15 के आसपास का पी, इंडस्ट्री PE 17 के आसपास है, बुक वैल्यू 45 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4 के आसपास है, 575% का डिविडेंड ये भी बेहतर है, EPS 12 के आसपास है, डिलीवरी 36 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 25% बेचने की और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कर्जा इनके ऊपर ना के बराबर है, 8 करोड़ के आसपास का कर्जा है और वो कर्जा बिल्कुल भी उतना बड़ा नहीं, क्योंकि भैया हर क्वार्टर में 4,000 करोड़ जितने मुनाफे होते हैं इनको, 4,140 करोड़, 4,000 करोड़, 3,175 करोड़, 3,480 करोड़, 3,200 करोड़, तो भैया मुनाफा बहुत ज्यादा है और कर्जा बिल्कुल भी ना के बराबर है। ओवरऑल काफी बढ़िया कंपनी है ITC। तो देखो जनरली मैं इन चार कंपनी को ही चूज करूंगा FMCG में, इन चार कंपनी के ऊपर ही मैं अभी अभी की सिचुएशन में दाव लगाना पसंद करूंगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कंपनीज है जो इसी सेक्टर से बिलोंग करती है, उसमें से एक है PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन, वो 10,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो भी काफी बढ़िया, फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, टेक्निकल रेटिंग उनकी भी काफी बढ़िया दिखाई दे रही है। और देखिए सब कोई कह रहा है कि भैया होल्ड कर लो, जल्दबाजी मत करो, डेफिनेटली बढ़िया स्टॉक ये जरूर है। कर्जा इनके ऊपर भी 1 रुपए का भी कर्जा इनके ऊपर नहीं है, 0 डेट वाली कंपनी है और प्रॉफिट्स भी इनके काफी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। तो एक शेयर ये भी हो गया, एक और है शेयर जो बढ़िया मुझे लग रहा है वो है डाबर, उसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं, 485 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, टेक्निकल रेटिंग इसकी भी काफी बढ़िया है, और तो और अगर हम बात करें 80% लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कर्जे की बात करें इनके ऊपर तो बैलेंस शीट अगर देखें तो 134 करोड़ का कर्जा है और वो भी कोई बड़ा नहीं, क्योंकि वो कंपनी हर क्वार्टर में 300 से 400 करोड़ का मुनाफा कर रही है, तो उसके बाद में उसको चूज करूंगा। और एक और शेयर है वो भी थोड़ा बहुत अच्छा है, कोलगेट, आपने नाम सुना ही होगा, 1,360 करोड़, 1,360 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और टेक्निकल रेटिंग इसकी भी काफी बढ़िया मुझे दिखाई दे रही है। तो ये तो बात के शेयर है, लेकिन पहले सबसे पहले मैं HUL पर ही, हिंदुस्तान यूनिलीवर पर ही मैं सबसे पहले दाव खेलूंगा, सबसे बड़ा दाव खेलूंगा, बाद में मैं ब्रिटानिया है, नेस्ले है और ITC, उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इन तीन कंपनियों के ऊपर, जैसे कि PNG है, डाबर है और कोलगेट है, उनके ऊपर खेलने के लिए सोच सकता हूँ, लेकिन ये शेयर्स है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, आप चाहे
तो छोटी छोटी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, मार्केट अनस्टेबल है, कोरोना कब तक चलेगा कहना मुश्किल है, इंडिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल। हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट भी आ जाए, तो गिरावट में ये शेयर आपको और सस्ता जो मिलते हैं तो बढ़िया मौका है। तो इसीलिए एक साथ सारे के सारे शेयर मत खरीदेगा, छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदेंगे तो डेफिनेटली आपको बढ़िया फायदा यहाँ पर मिल सकता है। तो ओवरऑल यही कहूंगा कि एफएमसीजी सेक्टर डेफिनेटली आने वाले दिनों में बढ़िया ग्रो करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, तो नजर रखिए। और खरीदारी करना भी चाहे तो एसआईपी मोड में ही खरीदारी करें, एक साथ सारे के सारे शेयर बिल्कुल भी ना खरीदे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।